खैरागढ़ नवगठित जिला में अवैधत के परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने के लिए केसीजी जिला कलेक्टर डॉक्टर जगदीश सोनकर ने निर्देश जारी किया था। उन्होंने कहा है कि खनिज विभाग के अलावा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी अवैध खनिज के मामलों में सख्त कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड है। खास तौर पर बड़े रेत माफियाओं पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने जिला में रेत माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से किए जा रहे अवैध परिवहन को गंभीरता से लेते हुए जिला में नियम विरुद्ध परिवहन कर रहे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके चलते आज सुबह ही जिला कलेक्टर के निर्देश पर खैरागढ़ तहसीलदार प्रीतम साहू तथा राजस्व विभाग के आरआई एवं पटवारी द्वारा न्यायालय परिसर के सामने सड़क पर परिवहन कर रहे अवैध रेत एसकेएस नाम की हाइवा वाहन क्रमांक CG08AK7194 को धर दबोचा गया। अवैध रेत परिवहन में संलिप्त हाइवा को खैरागढ़ थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। वही खनिज विभाग को भी कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। अवैध रेत परिवहन करते पकड़े जाने के बाद जानकारी मिली कि अवैध रेत से भरी हाइवा ठेकेदार अमित चंद्राकर जो शासकीय निर्माण कार्य करा रहे हैं वहां जा रही थी। जिला कलेक्टर ने रेत परिवहन से सड़क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की तरफ भी अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया है और कहा है कि प्रतिबंधित मार्ग से अवैध परिवहन को तत्काल रोका जाए। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।